देश की राजनीति में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, तो दूसरी ओर आशंका जताई जा रही है कि राज्यसभा के साथ ही लोकसभा के उपचुनाव में विपक्ष संयुक्त रूप से मोदी के लिए चुनौती पेश कर सकता है। विपक्ष की कोशिश है कि एकता की ताकत के बल पर अप्रैल में होने वाले राज्यसभा चुनाव में भी 2 सीटें हासिल कर ली जाएं। इनमें से 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिलना तय है और दूसरी कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और आरएलडी मिलकर आसानी से जीत जाएंगी। इस सीट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के संयुक्त कैंडिडेट होने की संभावना जताई जा रही है। गठबंधन पर अखिलेश यादव के नर्म रुख और कर्नाटक में जेडीयू के बीएसपी के साथ हाथ मिलाने के बाद विपक्षी एकता की उम्मीद ज्यादा बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव ने पहले ही 2019 के आम चुनाव के लिए विपक्षी एकता के साफ संकेत दिए हैं, तो वहीं मायावती भी अपने जन्मदिन पर साफ कर चुकी हैं कि अगर सीटों का सम्मानजनक बंटवारा होता है तब वह एक मंच पर आने को तैयार हैं। कांग्रेस और एसपी पहले ही सियासी दोस्ती निभा रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह की आरएलडी का रुख बीजेपी के खिलाफ और विपक्षी एकता के पक्ष में है, जिसकी जयंत चौधरी पहले ही पैरवी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 6 राज्यसभा सदस्यों नरेश अग्रवाल, जया बच्चन, किरणमय नंदा, दर्शन सिंह यादव, मुनव्वर सलीम, आलोक तिवारी और बीएसपी के मुनकाद अली, बीजेपी के विनय कटियार और कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मायावती के सहारनपुर हिंसा के मुद्दे पर इस्तीफा देने से 1 सीट और खाली हो गई है। ऐसे में 10 राज्यसभा सीटों के लिए अप्रैल में चुनाव प्रस्तावित हैं, तो वहीं राज्यसभा की 1 सीट के लिए 36 MLA जरूरी माने जाते हैं। ऐसे में 10 में से 8 सीटें बीजेपी को मिलना तय है, क्योंकि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 312 MLA हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि 1 सीट 47 MLA के बल पर समाजवादी पार्टी को मिल जाएगी। 1 सीट पर घमासान हो सकता है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी संयुक्त रूप से एक कैंडिडेट को उतारते हैं तो बीजेपी की घेराबंदी भी हो जाएगी और कामयाबी भी मिल जाएगी। 2 सीटों के लिए विपक्ष को 36 और 36 यानी कि कुल 72 वोटों की जरूरत होगी। सपा के 47, कांग्रेस के 7, बीएसपी के 19 और आरएलडी का 1 यानी कि विपक्ष के खाते में कुल 74 वोट हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की 1 सीट सुरक्षित है। दूसरी पर मायावती की संयुक्त उम्मीदवार होने की चर्चा जोर पकड़ रही है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा में विपक्षी एकता की शुरुआत होने से इसका सीधा असर लोकसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी देखने को मिलेगा, जिसका फायदा निश्चित तौर पर विपक्ष को। देश की राजनीति में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, तो दूसरी ओर आशंका जताई जा रही है कि राज्यसभा के साथ ही लोकसभा के उपचुनाव में विपक्ष संयुक्त रूप से मोदी के लिए चुनौती पेश कर सकता है। विपक्ष की कोशिश है कि एकता की ताकत के बल पर अप्रैल में होने वाले राज्यसभा चुनाव में भी 2 सीटें हासिल कर ली जाएं। इनमें से 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिलना तय है और दूसरी कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और आरएलडी मिलकर आसानी से जीत जाएंगी। इस सीट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के संयुक्त कैंडिडेट होने की संभावना जताई जा रही है। गठबंधन पर अखिलेश यादव के नर्म रुख और कर्नाटक में जेडीयू के बीएसपी के साथ हाथ मिलाने के बाद विपक्षी एकता की उम्मीद ज्यादा बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव ने पहले ही 2019 के आम चुनाव के लिए विपक्षी एकता के साफ संकेत दिए हैं, तो वहीं मायावती भी अपने जन्मदिन पर साफ कर चुकी हैं कि अगर सीटों का सम्मानजनक बंटवारा होता है तब वह एक मंच पर आने को तैयार हैं। कांग्रेस और एसपी पहले ही सियासी दोस्ती निभा रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह की आरएलडी का रुख बीजेपी के खिलाफ और विपक्षी एकता के पक्ष में है, जिसकी जयंत चौधरी पहले ही पैरवी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 6 राज्यसभा सदस्यों नरेश अग्रवाल, जया बच्चन, किरणमय नंदा, दर्शन सिंह यादव, मुनव्वर सलीम, आलोक तिवारी और बीएसपी के मुनकाद अली, बीजेपी के विनय कटियार और कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मायावती के सहारनपुर हिंसा के मुद्दे पर इस्तीफा देने से 1 सीट और खाली हो गई है। ऐसे में 10 राज्यसभा सीटों के लिए अप्रैल में चुनाव प्रस्तावित हैं, तो वहीं राज्यसभा की 1 सीट के लिए 36 MLA जरूरी माने जाते हैं। ऐसे में 10 में से 8 सीटें बीजेपी को मिलना तय है, क्योंकि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 312 MLA हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि 1 सीट 47 MLA के बल पर समाजवादी पार्टी को मिल जाएगी। 1 सीट पर घमासान हो सकता है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी संयुक्त रूप से एक कैंडिडेट को उतारते हैं तो बीजेपी की घेराबंदी भी हो जाएगी और कामयाबी भी मिल जाएगी। 2 सीटों के लिए विपक्ष को 36 और 36 यानी कि कुल 72 वोटों की जरूरत होगी। सपा के 47, कांग्रेस के 7, बीएसपी के 19 और आरएलडी का 1 यानी कि विपक्ष के खाते में कुल 74 वोट हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की 1 सीट सुरक्षित है। दूसरी पर मायावती की संयुक्त उम्मीदवार होने की चर्चा जोर पकड़ रही है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा में विपक्षी एकता की शुरुआत होने से इसका सीधा असर लोकसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी देखने को मिलेगा, जिसका फायदा निश्चित तौर पर विपक्ष को।